चिंतन कर, सिद्ध सलाह से मोक्ष नहीं हुए, सम्मे शिखर से मोक्ष हुए हैं। और सम्मे शिखर से मोक्ष हो जाते हैं, उनके रहने का स्थान सिद्ध सलाह है। कोई प्रश्न इस पर, कोई शंका करना भी मत, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है, बराबर। अब जो जीव यहां पूर्ण शुद्ध हो गया है तो जाकर सिद्ध सलाह पर त्रिलोक पति बन के बैठता है, त्रिलोक चूड़ामणि बन के बैठता है, वो सिद्ध परमात्मा है। ऐसा जीव सिद्ध होता है। अब कोई जीव श्रावकों के राग में, क्रिया के राग में सर्वथा पुण्य को उपाधि ही कहे, तो स्वयं भी स्वयं को छल रहा है, उस श्रावकों के लिए भी छल रहा है। यथार्थ बात बोलना चाहिए, यथार्थ बात। पाप प्रगति, पाप क्रिया हे ही है, पुण्य क्रिया हे उपाधे है, और पुण्य पाप शून्य दशा उपाधे ही है, ऐसा बोलना चाहिए, बराबर। अब जिन जीवों ने पंचासी का जैसे प्रावत ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, वो बेचारे नहीं समझ पाते हैं। भाव से भाव संग्रह ग्रंथ में सब जहां जहां क्या क्या लिखा मैं सब बोले देता हूं, नहीं तो प्रश्न करने वाले जहां से प्रश्न उनको कोई स्थान ही नहीं देना अपन को। भाव संग्रह में आता देव स्वयं स्वामी ने कहा, सम्मति पुण्यम न होय संसार कारणम नियमा, मोक्ष हो हेउ जैवी निदानम न कुड़ई। तो आप मुझे एक गाथा सुनाएंगे, क्योंकि यही गाथा सुनाई जाती है सब जगह। बोले महाराज जी, आप कह रहे हो पुण्य से मोक्ष नहीं मिलता, पुण्य संसार का कारण है, लेकिन भाव संग्रह करता देवसेन स्वामी भी तो जैनाचार हैं, दिगंबराचार्य हैं, वो तो ऐसा बोल रहे हैं। मित्र आप आचार्य महाराज की विवक्षा तो समझिए, वो क्या कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य, आप पुण्य की बात कर रहे हो, सम्यक दृष्टि जीव का तो आर्त क्रोध ध्यान भी संसार में नहीं घुमाता। लब को संभल के सुनना बेटा, क्योंकि भविष्य में तुमको विद्वान बनना है तो ये बातें तुमको यहां निर्णय करना है। सम्यक दृष्टि जीव का आर्त क्रोध ध्यान भी संसार में नहीं घुमाता। बोले महाराज क्या बोल रहे हो, सुनते चलो बेटा। ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, आर्त ध्यान रुद्ध ध्यान दो दुर्ध्यान संसार कारण है परिमोक्ष हेतु, और दो ध्यान धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान मोक्ष का हेतु है। फिर सर्वास्तिकार ने सम्यक दृष्टि जीव को देशव्रति को आर्त ध्यान भी होता है रोध ध्यान भी होता है, महाव्रति को आर्त ध्यान हो सकता है रोध ध्यान नहीं होता, लेकिन निदान नाम का आर्त ध्यान भी नहीं होता। तो फिर आपने परिमोक्ष हेतु का है दो को संचय कारण का है, तो सम्यक दृष्टि आर्त ध्यान करेगा तो नरक त्रिअंश में जाएगा ना। बोले नहीं जाएगा। बोले क्यों बेटा, हमने एक दिन आपको समझाया था वैशाली में कि मैं राजस्थान गया और जो क्षेत्र राजस्थान से लगा हुआ है, शिवपुरी भिंड ग्वालियर यहाँ तक नसिया है भाई, यहाँ तक बोला क्या है नसिया है, उधर गहरे मध्य प्रदेश में चले जाओ ना बुंदेलखंड में, वहाँ नसिया की परंपरा समाप्त है। भिंड तक नसिया है, नगर के बाहर समाधि स्थल हो विराट मंदिर हो सब निषिद्ध का स्थान नसिया है। तो मित्र जिस स्थान पर पंच प्रविष्टि विराजमान हो 17 प्रकार की निषिद्ध का स्थान है, पंचकणक भूमि भी निषिद्ध का है, ऐसे वितरागी श्रमण रमूर्षि
दिन में तीन तीन बार निषेधका की वंदना करते हैं श्राद्ध दशा में। उसी क्षेत्र में क्या हमने देखा, वो एक रोटी बनाते हैं और रोटी बनाई भैया बनारस, हो सकता आपने भी घर में देखा हो, रोटी बनाने के बाद इतनी लाल मिर्च पूरी रोटी लाल मिर्च लगा देते, देखने वाला रो पड़े कि कितनी मिर्च खा रहा है, लेकिन जिसने मिर्च लगाई है उसे मिर्च ही नहीं लग रही। ठहरना, बोले क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि यदि रोटी पर मिर्च पानी में घोल के लगाएंगे तो मिर्च से चौगनी लगेगी आपको। वो मिर्च जो है पानी में घोल के नहीं लगाई गई थी, वो मिर्च घी में तल के लगाई गई थी। और आयुर्वेद का नियम है मिर्च का जहर घृत से समाप्त हो जाता है। इतनी एकदम पूरी रोटी लाल कर दी मिर्च से, लेकिन फिर भी सामने वाले को मिर्च नहीं लग रही है, जलन नहीं पड़ रही है, और आराम से रोटी खा रहा है, और देखने वाले कह रहे हैं कितनी मिर्च खा रहा है। अब ठहरना पर है मिर्च, जैसे घृत में तली मिर्च असर नहीं कर पा रही है, इसी प्रकार से मुमुक्षु सम्युक्त में तला आर्त वो ध्यान नरक त्रियंच में नहीं भेज पाता। ये किसकी महिमा है, सम्यक की महिमा है, समझ में आ रहा ना, सम्यक की महिमा है। सम्यक दृष्टि जीव, इसका तात्पर्य आर तो ध्यान में तल्ली रही आज्ञा नहीं है, उसको बचना चाहिए। कदाचित सम्यक के काल में तद्जन के उत्पन्न हो भी जाए तो उसका मिथ्यात गुणस्थान जैसा आर्त ध्यान फलित नहीं होगा। ठीक, अभी आगे चलते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव का आर्त ध्यान, तो यहां पर देवसेन स्वामी कह रहे हैं सम्मति पुण्यम न होई संसार कारणम नियमा। सम्यक दृष्टि जीव का जो पुण्य है वो संसार का कारण नहीं है। बोले क्यों, सम्यक की महिमा मोक्ष हो हेउ, वह तो मोक्ष का ही हेतु है, लेकिन विश्वास रखो। आगे क्या लिख देगा, यदि निदानम न कुड़ई, यदि निदान नहीं करता तो, और निदान कर रहा है तो मित्र गुड़स्थान गिर जाएगा, छठवें गुड़स्थान में नहीं रह पाएगा। यानी भोगाकांक्षा संसार का बढ़ाने वाला है, तो सम्यक दृष्टि का जो पुण्य संसार कारण क्यों नहीं है, ऐसा प्रश्न करो। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव यथार्थ में पुण्य जो कर रहा है पुण्य के फल की कामना से नहीं कर रहा है, अशुभ पाप से बचने के लिए कर रहा है। अंतर समझ में आ रहा ना, क्यों कर रहा है, अशुभ से बचने के लिए कर रहा है, इसलिए पुण्य के नियोग से ही तो जीव एक इंद्रिय स्थावर पर्याय को प्राप्त किया, निगोज से फिर क्रम से मंद कसाह से बिना तपस्या के पुण्याश्रम होता। बेटा बहुत संभल के सुनते जाने के शब्द को, ओहो, यही कुंद कुंद स्वामी ने पंच प्रविष्टि की आराधना से प्रचंड पुण्य का आश्रम लिखा है, इसी पंचाशिकाय में निषेध करते हुए लिखा है। मोक्ष का नहीं लेकिन पुण्य का तो प्रचंड कारण है। अब देखना दीपक बड़जात्य दीपक पाटनी रहस्य का ज्ञान हो जाए ना आदमी को, छोटी सी दुकान में बड़े मकान बना सकता है, छोटी सी दुकान में बड़े मकान बना सकता है, ऋण का लिया नहीं, उधार किसी को दिया नहीं, व्यवहार इतना बढ़िया कि माल दुकान में छोटा भरा है
पर इतना अधिक आता है उसके पहले उसका बिचुकता होता है, दुकान पे आया उधर ग्राहक लेके चले गए, दुकान छोटी है और माल इतना आ चुका है कि आया और गया मात्र मुनाफा उसके पास है। सुनते जाना, ये कौन कर रहा है? बुद्धि, विवेक, पुण्योदय। इसी प्रकार से जैसे छोटा किसान भी बहुत धान उगा लेता है समझदार है तो, बहुत भूमिपति भी प्रमादी है तो गरीबी रहता है, अपितु बीज के पैसे भी ऋण से लेता है, बीज भी ऋण से दे पाता और मालूम चल कि वो ऋण नहीं चुका पाया, वो आत्महत्या कर बैठते हैं। कुछ काम पुरुष प्रधान है, कुछ प्रांतों में पुरुष तो घर में बैठे रहते, हुक्का पीते रहते, सारा काम माताओं के हाथ में सौंप दिया है, मुझे सब मालूम है पूरे प्रांतों की दशा, अब तुम हुक्का पीते रहो चाहे ताव लगाते रहो मूछों पर, सब काम घर का खेत का काम भी माताएं कर रही हैं। तो मित्र, माँ अपने हिसाब से करेगी, पुरुष अपने हिसाब से करेगा, सरकार भी माँ का वेतन और पुरुष के वेतन में अंतर डाला है, मजदूर का भी अंतर है, है? माँ विकल्प मत करना, एक आर का माताजी कितनी घनघोर तपस्या करे लेकिन सहनन जन और स्वभाव जन उतनी विशुद्धि नहीं बना पाते, पंचम गुण स्थान के ऊपर स्थान नहीं बन पाता। और एक दिगंबर मुनि, एक जीव मिथ्या से लेकर 14वें गुणस्थान तक पहुंचता है, वो मुरझाज बन जाए तो 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक जाते, बराबर। ये सहनन की व्यवस्था है, और सहनन के साथ भाव विशुद्धि की व्यवस्था है, पर्याजन व्यवस्था है। वहां पर जब ये जीव किसान घर में बैठा हुआ है, हुक्का पी रहा है, धन जला रहा है, तन जला रहा है, यश जला रहा है, मित्र खेत पे जाएगा नहीं तो खेत नष्ट हो जाएगा, बोना मात से काम नहीं चलेगा, मेड़ पर प्रतिदिन घूमना भी पड़ेगा, कौन पशु चर रहे हैं कि कोई दूसरा चोर फसल निकाल ले गया। इस प्रकार से जो जीव यतन से काम कर रहा है, छोटी सी भूमि में बहुत धन, अब बोला रुक जाइए, हमको एक एक विषय को स्पष्ट करना है, आप अल्प साधना करके भी प्रचंड पुण्य कमा सकते हो, बहु साधना करके भी कुछ नहीं लेके जा पाएंगे। पुण्य आश्रव का कारण तपस्या मात्र नहीं है, तपस्या तो निर्जा का कारण है, तप से निर्जाच, तप से संबंध निर्जा होता है, ये पुण्य आश्रव तो राख से होता है, मंद कसा से होता है, भोग भूमि जीव लब कोई तपस्या नहीं करता बेटा, लेकिन नियम से देव बनेगा, जबकि भोग भोग रहा हो तो किसके बल पर, मंद कसा है। इसलिए संसार में रहते हुए भी कसाय मंद रखना चाहिए, किसी विषय पे 25 कसायों में से कोई भी कसाय पर उतावले नहीं होना चाहिए, आगम से गुरुपदेश से पूरा अनुभव से बोल रहा हूं, स्पष्ट मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, जितनी लोग तपस्या करते मुझे दिखते ना, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं उतनी तपस्या, जो हमारे मूल उत्तर गुण हैं उनके ही पालन कर रहा हूँ, पर्वत पर बैठने नहीं जा रहा, वृक्ष के नीचे वर्षा में नहीं बैठा, मधुवन में 53 कोठी धर्मशाला में चातुर्मास चल रहा है, शीत के काल में नदी के किनारे नहीं जा रहा हूँ भाई, ग्रीष्म में पर्वत की चोटी पर नहीं जा रहा हूँ, पर मुझे इतना विश्वास है आगम सत्य है, जिनवाणी सत्य है, अरहंत देशना सत्य है, अंतरंग तपस्या भी
कर्म क्षय कराती, ऐसा नहीं है। अंतरंग तपस्या से ही मूल कर्म का क्षय होगा, बहिरंग तपस्या भी चाहिए, उभय तपस्या। लेकिन अंतरंग तपस्या, ये जो चल रहा है यहां पर स्वाध्याय, ये तप नहीं है क्या? अंतरंग तप है। और स्वाध्याय करते करते जो भावों के अंदर विशुद्धि आ रही है, ये विशुद्धि कर्म के निर्जा कराती, चार चार उधर कर्म। सुधीर भैया, जो समझदार भेद होता है वो औषधि को धूप में कभी नहीं सुखाता, उत्कृष्ट औषधि को छाया में सुखाया जाता है। ऐसे ही मित्र, आत्मा की विशुद्धि को चाहिए है, कर्म का क्षय करना चाहते हो तो फिर आपको समता की छाया में बैठ करके कर्म सुखाना पड़ेंगे। जहां पर समता की छाया नहीं है वहां कर्म औषधि का रूप नहीं बनके नहीं सूख पाएंगे। इसलिए ज्ञानी जब जीवन में साधना का क्षेत्र चुनो ना, सबसे पहले निर्णय करना संक्लेश मुक्त मनसा। कमल भैया, मैंने ऐसे स्थान छोड़ देता हूं मैं शीघ्र जहां संक्लेशता की वृद्धि होती हो, मस्तिष्क में ठहराता ही नहीं हो। मुझे मालूम है मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है। इतना सहज जीवन जिएगा वही सहज रूप को प्राप्त कर पाएगा। समता, मूल बिंदु समता, और अपनी योग्यता, करने योग्य योग्यता, प्राप्त होने योग्यता, दो योग्यता है लब, करने योग्य योग्यता और प्राप्त योग्यता। अर्थ बताओ क्या आप? सुब्रत साग, दो योग्यता है, करने योग्य योग्यता और प्राप्त योग्यता। बोलो भाई समझ सागर, दो योग्यता है और दोनों योग्यताओं पर विवेक नहीं है, उसको 24 घंटे रोना ही पड़ेगा। दो योग्यता है,